हेलो एंड व्हाट इज हैपनिंग गाइस, वेलकम बैक इन अदर गेम प्ले वीडियो। तो जी हां गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं दोबारा से खेलने वाला हूं माइनक्राफ्ट अभी खतरनाक ग्राफिक्स में। जैसे कि आपको मालूम होगा, हमारे पिछले सर्वर सीरीज में हम लोग अगले पार्ट में घर बनाने वाले थे। लेकिन गाइस, अपने को घर बनाने के लिए एक चीज चाहिए थी, एक जगह, मतलब अपने को चाहिए था एक विलेज, जो कि है आपके सामने। जी हां गाइस, मैं ऑफलाइन में भी खेल के मैंने विलेज ढूंढ लिया, और जी हां गाइस, मैं ऑफलाइन से जा रहा था, मुझे शुगर कैन मिले। और जी हां गाइस, ये हमारे घर बनाने का सामान। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये स्टोन कहां से लाया, आप लोग के मन में ये जा रहा हूँ मैंने क्रिएटिव से लाया। लेकिन नहीं गाइस, आपको इसको फर्नेस में स्मेल्ट करना पड़ता है तो ये बन जाते हैं स्टोन। पहले रहते कॉबल स्टोन, अब बन गए स्टोन। इसमें मेरा फ्यूल पूरा खत्म हो चुका है और मेरे बहुत सारे प्लैंक तोड़े मैंने गाइस, जो कि मुझको वो वाली बायोम में मिल चुकी थी जिस बैम में हम पहले थे। जी अब मैं फटाक से इन सब के स्टोन बना लेता हूँ, देखते हैं कितने अपने स्टोन ब्रिक्स बन जाएंगे। देखो ये अपने स्टोन ब्रिक्स, अपने को ये चाहिए थे, देखते कितने बन पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए अपने को ताकि अपना कासल ओपीएस कासल अच्छे बन पाए। अपन शिफ्ट करके पूरा नहीं कर सकते क्या? तो जी अगर आप लोग देख सकते हो, मैं स्टोन बनाते जा रहा हूँ, देखते कितने बनेंगे। लगभग 15-20 स्टैक, क्या यार, 5-6 स्टैक बन जाएंगे आई थिंक। चल भाई, 5 स्टैक। ओ भाई 5 स्टैक बस कुछ कम है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये है हमारे प्यारे प्यारे स्टोन्स, ये हमारे बन चुके हैं स्टोन ब्रिक्स। और आप लोग सोच रहे होंगे ये तो भाई मैंने ये विलेज अभी तक के लूटा नहीं है, बस मैंने विलेज ढूंढा फटाक से बंद कर दिया अपना माइनक्राफ्ट। मैं सोच रहा हूँ विलेज ढूंढ लेते हैं अपन जाकर फटाक से, क्योंकि भाई खाने की किल्लत हो रही है अभी। पहले मैं ये पोटैटो तोड़ के थोड़ी बहुत खा लेता हूँ। और भाई जावा एडिशन में आपको मालूम होगा आई थिंक, जहाँ तक कि आप लोग बेटा एडिशन, बेटा क्या बोलते हैं इसको, बेडरॉक एडिशन, जिस बेडरॉक एडिशन में आपको मालूम होगा विलेजेस कभी कभी डिस्पॉन होते हैं या फिर विलेजेस को मार देता है। एक तीन बार तीन 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 ब्लॉक डिक करके टनल बनाना पड़ेंगे ताकि अपन उसमें लिए काम करके अपने बहुत चीज देंगे। तो जी हाँ, सामने देख रहे हो 3-4 विलेजर्स है। और अभी पहले तो गाइस, पहले मैं क्या करने वाला हूँ आप लोग सोचो, मैं पहले इन सब के घर को अच्छे से लूटने वाला हूँ। अरे कुछ नहीं है, सही बोल रहा हूँ भाई, कुछ नहीं मिला ना मेरे दिमाग। ओ भाई ये चाहिए मुझे, इसकी डाई मिल गई भाई साहब। ये ग्रोड आई है जो इसको बोलते हैं भाई, वो मार रहा है मेरे को ड्राउन। तो गाइस ऊपर आ चुका हूँ मैं सांस लेके। हाँ वो देखो वाले घर में आई थिंक चेस्ट होंगे, ये सिर्फ कोई दो। ओ भाई क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं, आर्मर रखा था भाई, बेड रेड के समान था। तो जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी पल्स और थोड़ा बहुत तो ब्रेड मिल चुके हैं। और अब मैं ये क्या बोलते हैं यार, मैं इसका नाम आर्मर के घर को लूटने वाला हूँ भाई। मैंने सुना उसमें से डायमंड मिल जाते हैं, डायमंड। रखूँ मैं ये भाई गोल्डन हॉर्स का आर्मर भाई, मैं भी उसको अभी उसको इधर ही छोड़ लेते हैं। मेरे पास लेगिंग्स भी न्यू आ चुकी है, अब मुझे बस हेलमेट और पैंट बनाने का, जो कि मैं आसानी से बना सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, अभी मुझको पहले फटाक से लूटने का फिर घर बनाने का है। ये भी एक चेस्ट है, इसमें से टट्टी चिंदी आइटम मिले मुझको, चिंदी सो मच चिंदी। पहले मैं ब्रेड हाथ में ले लेता तो वो खा ले तो अब और गया को लूटने का अपने को। और ये गोलम को मैं नहीं मानने वाला अभी, कि भाई अब सब लोग गोलम को मार मार के आयरन लेते हैं, लेकिन हम गोलम को आयरन देते हैं, लेते नहीं है गोलम से भाई। विलेज में और क्या है, नल्ले नल्ले घर मिले हैं भाई, लेकिन बहुत मेरे तो मजे हो गए भाई, मुझको विलेज में से गोल्ड मिल गया। तो 6 मिले था आई थिंक, हाँ 6 गोल्ड इंगट
जहाँ तक कि भाई मैं आया था तो मैंने देखा था एक और फार्म, उसका घर था ना एक और फार्मर का, एक और घर था आई थिंक। नहीं आई थिंक नहीं तो शायद ये देखाऊंगा। हाँ भाई छाया भी करूँगा। अरे हाँ ये तो उसका घर, इसमें स्मिथिंग टेबल। भाई चलो चलिए गाइस, मैं आपको मिलता हूँ अगली सुबह। तो जी अगर अब मैंने विलेज थोड़े बहुत चेस्ट लूट लिए और अब मैं सीधा जाने वाला हूँ। आप सोचो कहाँ जाने वाला हूँ, अब मैं सीधा अपने घर के लिए जगह ढूंढने वाला हूँ। भाई बच जाऊँगा ना इधर से कूदूंगा तो, नहीं थोड़ा रिस्क नहीं लेते अपन। चलो इधर से सीखते हैं। तो मैं अपने घर के लिए एक अच्छा सा प्लेन एरिया ढूंढने वाला हूँ जहाँ पे हम अपना प्यारा सा कासल बना पाए। सामने से मुझे लगता है थोड़े बहुत प्लेन एरिया तो मिल ही जाएंगे, सब चलते हैं। हाँ कुछ देखो सामने मुझे प्लेन एरिया दिख रहा है, अपनी जर्नी की एकदम अच्छी शुरुआत है। अपने प्यारे प्यारे विलेज के सामने अपना एक प्यारा कासल जिसमें अपने बहुत सारे विलेजर लगे रखे हैं, जिसमें आपसे ज़्यादा विलेजर का राज नहीं चलेगा, मेरा राज। तो जी हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जगह मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगी। अब मैं यहाँ पे अपने लिए प्यारा सा कासल बनाने वाला हूँ। पहले तो मुझको चाहिए वाटर बकेट का है, कुछ वाटर बकेट मेरे पास ऑलरेडी है। मुझको इसमें पानी भर के पूरी ग्रास साफ करने का, यहाँ की वाटर 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 वो उधर उधर होगा उधर होगा सकैम उधर वाटर उधर से लेके अपनी पूरी ग्रास का पूरी साफ कर देते। आई थिंक आज की वीडियो में आधा करना ज़्यादा के मुझको लगता है। लीफ टूट गई और भाई साहब सीड, इन सीड की भी तो इतनी ज़रूरत तो है नहीं मुझे। तो जी हाँ सब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं आपको हमारे घर का डिज़ाइन दिखा देता हूँ। अपनी कुछ सीढ़ी इस तरह से ऊपर की तरफ जाएंगी, ऊपर एक लंबा सा अपने को प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा और उधर अपना सामने में आपके अपने दो पिल्लर और पीछे में अपना कासल। जी अगर कासल टाइप रहेगा, आई डोंट नो आपको कासल लेना है क्या लेना। पहले मैं स्लैब्स बनाने, तो अब उन सीढ़ियाँ जो है स्लैब्स बनाने वाली है और मुझको बहुत सारी शीयर्स लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें लगने वाली है और गाइस मुझे चेस्ट की तो ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूर से ज़रूरत पड़ने वाली है। चेस्ट में अपना फालतू का सामान मतलब काम का सामान रखा देता हूँ। जी बस मुझको रूफ पड़ा से दो गोल्डन स्वॉर्ड और ये मिली थी, लेकिन मुझको मालूम है इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा जल्दी कम हो जाती है, इसलिए मैं तो उसको यूज़ नहीं करने वाला। मैं इसको अब पता नहीं अब काय के लिए यूज़ करूँगा। किस में लग गया सिल्क टच, इससे मुझे ये स्टोन मैं भाई सिल्क टच तो भाई मुझे बहुत चाहिए थी। आई थिंक अपने टेबल आता है उसको ले सकते हैं, क्या बोलते हैं अपन उससे इसकी बुक निकाल सकते हैं आई थिंक, मुझे जहाँ तक के लग रहा है। तो मैं फिर से इसमें से स्लैब बना लेता हूँ, 99 प्लस स्लैब बन रहा, अपने एक स्टैक स्लैब बना लेता हूँ मैं। हार्ड एक्सेस स्लैब बन चुके अपने ये, और अपने को चाहिए शियाज ये रहा अपना ऐसा कुछ इस तरह से जितना थोड़ा बहुत बड़ा हो सके। फिर इधर एक, फिर एक ब्लॉक इधर, नहीं थोड़ा गलत हो रहा है, थोड़ा गलत हो रहा है अपने से। और क्या चाहिए थे अपने को, हट डॉट इस तरह से कुछ अपने ने, नहीं रुक जाओ यार मैं क्या कर रहा हूँ आज इसको लेते हैं। तो मुझको कैसे बनाने का मैन, हाँ देखो इधर से आपको ऐसा लेने का है, लेकिन अपने को एक ब्लॉक कम करना पड़ेगा। देखो डिज़ाइन ही चाहिए ना, एक नंबर डिज़ाइन। तो गाइस यहाँ तक डिज़ाइन आ चुकी है, मैं आपको पूरी सीढ़ी बना के दिखा देता हूँ। जी हाँ गाइस कुछ इस तरह की आपकी सीढ़ी होने वाली है, कुछ ऐसा कौन चल के जाएंगे अपने ऊपर वाले कासल में। फटाक से गाइस मुझको एक और काम है अपने अपने, पहले अपन ये पहले इंगोट बना लेते हैं, मुझसे बहुत सारे बन गए थे जो अपने को चाहिए। एक शीयर अभी स्लैब क्यों बना रहा हूँ मैं, शीयर्स तो ये बन चुके अपनी शीयर्स। फटाक से अपन चल के लीफ तोड़ लेते हैं, अपने को लीफ चाहिए ये वाली लीफ, हाँ ये वाली लीफ चाहिए, मैं तोड़ लेता हूँ फटाक से। जी अगर जैसे कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से अपना कासल है वहाँ। तो अब अपने को बनाने का गज, अब यहाँ पे दो पिलर्स, तो बस मैं सोच रहा हूँ अपन जगह का क्यों बनाए। भाई साहब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं जगह का क्यों बनाऊँ, बस स्टोन ब्रिक्स थोड़ा बहुत कम तो है अपने पास आई थिंक। मुझको क्या करना चाहिए,
डर्ट की बनाऊं कि काई की बनाऊं ये जगह। तो मैं सोच रहा हूँ मैं बना लेता हूँ डर्ट की बना लेता हूँ, जहां तक तो मुझे लगता है का सही तो डर्ट की बनाऊं प्लैंक की बनाऊं। जगह मैं सोच रहा हूँ चंदो अब स्टोन्स की बना लेते हैं अपन, ठीक है। अगर मैं पटाख से आपको थोड़ा बहुत सरफेस बना के दिखा देता हूँ जी। अगर जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये अपना कुछ थोड़ा सा सर्फेस बना है। देखो यहाँ पे अपना एक छोटा सा पिल्लर है, बड़ा सा पिल्लर आएगा, और जी अगर यहाँ पे भी अपना एक पिल्लर आने वाला है, यहाँ पे भी अपने दो पिल्लर आएंगे, ऐसे कुछ दो पिल्लर आ जाएंगे। तो मैं आपको पहले पिल्लर का सर्फेस बना के दिखा देता हूँ फटक से। तो जी अगर जैसा कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप के अपने इधर और इधर आपके अपने पिल्लर बनने वाले हैं। तो क्या सही दिख रहा है अपने पिल्लर, प्यार प्यार पिल्लर। अब इसके ऊपर अपने को अब मैं एक एक दो प्लैंक और लगाऊंगा और ऊपर एक सरफेस बना के दिखा दूंगा आपको। रुक जगह में पॉज कर देता हूँ जब तक के वीडियो को। बाय बाय। तो जी हां गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये बन चुका अपना पास एक पिल्लर, जिसके ऑब्वियस पिल्लर है अपना। बस अपने को अभी टॉर्च की कमी पड़ रही है, टॉर्च लगा के अपना प्यार का कासल दिखाएंगे। अब मैं फटाक से इधर भी एक और कासल बना ले, मतलब जो भी है पिल्लर विल्लर बना ले। तो फटाक से मैं स्किप कर देता हूँ जब तक के वीडियो को। बाय बाय। नहीं यार पिल्लर जो अब मैं इसका सेम पिल्लर एक यहाँ पे बनाने वाले हूँ, सेम पिल्लर बस यहाँ पे पिल्लर अपन बना लेंगे। थोड़ी देर में आपको पटक से दिखा दूंगा कि तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जी हाँ गाइस ये बन, तो जी हाँ गाइस ये पिल्लर अपने बन चुके हैं गाइस। ये जो पिल्लर है गाइस हमारा अपना घर का लगभग अपना 35% अपना घर कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस मैं तो सोच रहा हूँ अगली बार मैं अपन पूरा बना देंगे। तो गाइस आई थिंक आज वाली वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।